न्यूयॉर्क सिटी गूंज उठा है इंडिया की आवाज से एंड वी डिड इट। ये देखिए इमोशंस, देखिए भाई इमोशंस, लोगों के इमोशंस। अरे देखिए फैंस के एक्सप्रेशन दोस्तों, मैन एक्साइटमेंट इज नेक्स्ट लेवल। आई लाइक ये सर, ऐसे हो गए आइए टोरंटो से आइए, देखिए वो टोरंटो भाई, बहुत इमोशनल मोमेंट है। Guys are bouncing back in Bridgetown, India. Welcome to India. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत के T20 वर्ल्ड कप के मैच जीतने के बाद में पूरी दुनिया के अंदर जश्न मनाया गया है और खासकर इस समय जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो न्यूयॉर्क के हो रहे हैं। वहां पर बहुत सारे भारतीय इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा इंतजाम अमेरिका की तरफ से किया जाता है, उसके बाद में बहुत ही जबरदस्त वहां से फैन के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो है देसी न्यूयॉर्क का। अगर आप भी मेरी तरह वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब का रिएक्शन वीडियो का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Awesome. India is... I like that. देखिए फैंस के एक्सप्रेशन दोस्तों, मैन एक्साइटमेंट इज नेक्स्ट लेवल। फैन पार्क या न्यूयॉर्क सिटी गूंज उठा है इंडिया की आवाज से एंड वी डिड इट। टू बॉल्स एंड मे बी व्हाट 10 रन्स, या 10 रन्स। ये देखिए कितना इमोशनल है। Never had a chance of getting his hands on a World Cup. As a coach of no, a team, no, no, yeah, bhai, this is such an important time for us. Time has come. बहुत ही emotional moment है दोस्तों ये. लोग अपने emotions control नहीं कर पा रहे. It's amazing. ये देखिए. Yeah,
सारे कैमरास बाहर हैं यहाँ पे। लास्ट बॉल T20 का एंड वी वन T20 चैंपियन। ये देखिए, ये सर ऐसे रो रहे हैं भाई, ये टोरंटो से आइए देखते हैं हम टोरंटो भाई, बहुत इमोशनल मोमेंट है। इमोशन देखिए भाई, इमोशन लोगों के इमोशन देखिए, ये खुशी के आंसू हैं। मेरे बैच 7 months ago to bouncing back in Bridgetown, India, World Cup champion. दोस्तों दुनिया भर के अंदर जहां जहां पर भी भारतीय रहते हैं सबको ये मैच देखने के बाद में खुशी हुई है, क्योंकि भारत जो है T20 वर्ल्ड कप जीता है 13 सालों के बाद में। हर भारतीय इंतजार करता है कि कब भैया ये शुभ घड़ी आएगी। आपको याद होगा 2023 में जब ODI का वर्ल्ड कप हम लोग हारे थे, कितना दुख हुआ था, आंसू निकले थे, दर्द हुआ था, 2-3 दिन तक बोलने का मन नहीं करता था, खाना मैंने उस दिन नहीं खाया था, इतना ज्यादा दुख हुआ था। लेकिन आज जब T20 वर्ल्ड कप भारत जीता है उसके बाद में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। और जो भारतीय बाहर रहते हैं उनको भारत का जब क्रिकेट मैच होता है तो उनको देखने में बहुत मजा आता है, और सब लोग गैदर होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं तो किस तरीके से भाव निकलते हैं। आप सोचिए अमेरिका जैसी जगह में न्यूयॉर्क के अंदर इतने सारे भारतीय इकट्ठा होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग टाइम निकाल कर जाते हैं और फिर वहां पर इकट्ठा होते, फिर मैच देखते हैं, एक दूसरे के साथ में नाचते हैं, खुश होते हैं, और देखिए किस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक रेस्टोरेंट का भी इसमें मैंने क्लिप डाला है, मतलब एकदम पागल हो जा रहे हैं। और भारत को वर्ल्ड कप जीतते देख तो लोगों के आंसू निकल आए हैं। आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर आकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब आप समझिए कि ये एक ऐसी चीज है, भारत के अंदर क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। बहुत ही अच्छा मैच हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों टीमें खेली थी, लेकिन भारत ने यहां पर जो लास्ट के 5 ओवर का गेम खेला है उसके बाद में तो साउथ अफ्रीका धराशायी हो जाती है और इसी वजह से भारत की जीत होती है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम का जो विजय रथ है ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद में जो 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, उसके बाद में जो 27 में ODI का T20 वर्ल्ड कप होगा, सब कहीं भारत की टीम जीतती रहेगी और हम लोग ऐसे ही खुशियां मनाते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।